हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, यानी कि जितने भी परमाणु क्रमांक हैं, 100 से अधिक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं आवर्त सारणी में, उन तत्वों का नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्वों का नामकरण जो जिनकी खोज नहीं हो पाई है, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है ना। तो पहले ऐसा होता था कि जो भी साइंटिस्ट किसी नए एलिमेंट्स को खोजता था तो उसके नाम पर ही उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था, है ना। या फिर वो साइंटिस्ट जहाँ का होता था, जहाँ का निवासी होता था, उस स्थान के नाम पर उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। लेकिन फिर क्या होता था कि कुछ वर्षों में ऐसा होने लगा कि किसी एलिमेंट पे हो सकता है कि दो या दो से अधिक वैज्ञानिकों ने किसी एलिमेंट की खोज कर दी है ना, और वो जो है अलग अलग स्थानों पर रहते हों, ठीक है, किसी अलग देशों के निवासी भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, नाम रखने में, एलिमेंट का नाम रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तब फिर क्या किया गया, IUPAC द्वारा, IUPAC एक संस्था है, तो उसके द्वारा जो है इसके लिए एक उपाय सुझाया गया कि इसका नाम जो है किस प्रकार से रखा जा सकता है। अस्थाई नाम तो रखना आवश्यक ही है, तो अस्थाई नाम को रखने के लिए एक इन्होंने एक पद्धति बनाई, एक तरीका खोजा। तो IUPAC ने ये सुझाव दिया कि जब तक किसी एलिमेंट का, जो भी कोई एलिमेंट है उसका की खोज जो है वो पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए, ठीक है, कि जो भी एलिमेंट्स जो है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोजे जा रहे हैं, उनके सभी तत्वों के जितने भी गुण हैं, उन गुणों में जब तक समानता ना पाई जा सके या फिर वो सिद्ध ना हो सके, तब तक जो है उसका अस्थाई नाम रख दिया जाए। तो अस्थाई नामकरण की एक प्रकृति होती है, कुछ नियम उन्होंने निकाले हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अस्थाई नाम के लिए क्या किया गया, 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं उनके लिए कुछ नाम रख दिए गए। जैसे कि 0 है तो 0 के लिए नील नाम रखा गया, है ना, और इसका प्रतीक N, 1 के लिए अन, फिर इसका प्रतीक होगा U, 2 के लिए बाई प्रतीक B, 3 ट्राई प्रतीक T, 4 के लिए क्वाड, इस तरह 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, इस प्रकार से इसका नाम रखा गया, है ना। और अंत में क्या है, जब नाम हो जाए, नाम के अंत में हमने IUM जो है उसमें ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 101 है, 101 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम अस्थाई किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, 1 है, 1 का नाम क्या है, अन है, यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखा अन, ठीक है। फिर 0 है, 0 का नाम देखिए यहाँ क्या लिखा है, नील, तो 0 के लिए यहाँ लिखा नील। फिर 1 है तो 1 का अन, तो हमने लिखा अन नील अन, लास्ट में अंत में जोड़ा जाएगा IUM, अन नील अन IUM या फिर EM, है ना। तो इस प्रकार से इसका अस्थाई नाम लिख दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि 102 है, तो 102 का अस्थाई नाम किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 के लिए अन लिख देंगे हम, 0 है, 0 के लिए नील, तो यहाँ लिखा नील, 2 के लिए बाई, यहाँ बाई हो गया, ठीक है। अब लास्ट में जोड़ना है IUM, ठीक है, EM जोड़ना है, तो यहाँ I पहले से लिखा है तो हम एक और I यहाँ नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिख देंगे UM। तो 102 वाले एलिमेंट्स का नाम क्या हो गया, अन नील बाई EM, ठीक। तो इसी प्रकार से इस चार्ट की सहायता से हम पूरे एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स के नाम हम लिख लेते हैं, 100 के बाद जितने भी हैं, ठीक है। और जब इसकी प्रतीक की बात आ रही, इसका प्रतीक किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो हमने 1 के लिए देखा है N लिखा है, सॉरी 1 के लिए है U प्रतीक, अगर लिखना हो तो 101 नाम वाले का प्रतीक, जैसे कि हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन के लिए हमने प्रतीक लिखते हैं H ना, तो ये प्रतीक ही तो हुआ, हाइड्रोजन हुआ। हीलियम के लिए प्रतीक क्या, पूरा हीलियम तो लिखा नहीं जाता, हम इतना ही लिखते हैं प्रतीक। तो इसी प्रकार से 101, 102 या 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रतीक किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसके लिए हम देखेंगे, 1 के लिए हमें लिखा हुआ है U, तो यहाँ U हो जाएगा, 0 के लिए N, फिर 1 है तो ये इसका प्रतीक हो गया,
यू एन यू, ये 101 वाले का प्रतीक हुआ। फिर आप देखिए 102 वाले का क्या है, 102 में देखिए एक का है यू, तो यहाँ यू लिखा, जीरो का है एन, एन लिखा, टू के लिए प्रतीक क्या है बी है, तो यहाँ पर लिखा बी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सभी एलिमेंट्स के नाम लिखते जाएंगे। और ऐसे जो IUPAC द्वारा जो दिए गए नाम हैं, तो इसमें तो 101 वाले का मेंडेलियम है और इसका है नोबेलियम है ना, IUPAC द्वारा जो दिए गए नाम है ये। चलिए अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई है परमाणु क्रमांक है 111, ठीक, 111 का हम किस प्रकार लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, 1 का हमने लिखा, 1 अन है, फिर 1 का अन लिखेंगे, इस वाले का भी अन लिखेंगे, फिर IUM, ठीक है, तो ये हो गया इनका अस्थाई नाम 111 का। और सिंबल क्या होगा, है ना, 3 बार 1 है, 1 है, तो हमने यहाँ इसका प्रतीक इस प्रकार से लिखा, इसी प्रकार से 112, 113, ठीक है, तो उसके बाद हम लिखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। तो देखिए आवर्त सारणी की सहायता से हम किसी भी तत्व की उसके आवर्त सारणी में उसके वर्ग और आवर्त में स्थिति की के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कि कोई तत्व जो है आवर्त सारणी में किस आवर्त में तथा किस वर्ग में स्थित है। तो जैसे इसमें पहला है आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए जब हम परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, जैसे 17 परमाणु क्रमांक किसका है, क्लोरीन का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, है ना। ये 1s2 क्या है, यहाँ 1 है, तो ये क्या है, पहला आवर्त है, ये दूसरा हो गया, 2 2 है ना, दूसरा आवर्त हो गया, और ये है तीसरा आवर्त। ठीक है, तो आवर्त इसका क्या है, आवर्त है क्लोरीन का तीसरा है, ठीक, और इसका जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरीन है 17 है, वर्ग क्या है 7b है, ठीक। इसी प्रकार से कॉपर का देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 29 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1, ठीक है। तो ये इसका आवर्त हम देखते हैं कौन सा है, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में जा रहा है, चौथे में जा रहा है ना, तो आवर्त 4 हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s में, तो आवर्त हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, है ना। वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग देखिए अंतिम वाला हम या तो 1 लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 10 और 1 11 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 11 का है उपवर्ग इसका 1b, ये है 29, ठीक, तो हम 11 भी लिख सकते हैं, साथ में 1b भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम किसी भी तत्व का स्थान ज्ञात कर सकते हैं कि वो आवर्त सारणी में किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, ठीक है, और साथ में ही किस उपकोष का है और किस ब्लॉक का एलिमेंट है ना। नेक्स्ट हेडिंग है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कि यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य जो है अंतिम बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है एस उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में
में प्रवेश करता है तो वो सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, और एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। ठीक है, NS1 और NS2। ठीक है, जैसे क्षारीय मृदा धातु जो है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी वाला जो है, जब आप आवर्त सारणी में देखेंगे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी लिथियम बेरिलियम वाला, तो उसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या है, लिथियम में अंतिम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है NS1 है ना, S1 है, और बेरिलियम में S2 है। तो इस प्रकार से एस ब्लॉक का अंतिम जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS2 ज्ञात किया गया है। ठीक है, और इनकी जो विशेषताएं हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की विशेषताएं क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है सभी जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी तत्व हैं वे सभी क्या हैं, सभी धातुएं हैं। ठीक, सभी धातुएं हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक भी काफ़ी कम होते हैं, ये काफ़ी मुलायम होती हैं। इसके अलावा ये अपने बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से एक धनायन द्विसंयोजी धनायन बना सकती हैं। ठीक है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनके ऑक्साइड जो हैं ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, इनकी आयनन ऊर्जा तथा आयनन एंथैल्पी जो है निम्न होती है। आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी निम्न होती है। ठीक, तो ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की विशेषता है। अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसमें हमने क्या देखा था कि जिन तत्वों का अंतिम बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है एस उपकोष में प्रवेश करता है तो हम कहते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक में क्या होगा, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों होती हैं। एस ब्लॉक में सभी धातुएं थीं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सभी धातु हैं, लेकिन पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु और उपधातु तीनों होती हैं, तीनों रखी गई हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों होती हैं, लेकिन अधातुओं की संख्या जो है धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, दूसरा हम विशेषता कह सकते हैं कि जब पी ब्लॉक के वर्ग में धात्विक गुण जो होता है, वर्ग में तत्वों का धात्विक गुण जो होता है ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाता है तो उनका धात्विक गुण जो है वो भी बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाएगा तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के धात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जब जाया जाएगा आवर्त सारणी में, तब भी धात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है। फिर से सुन लीजिए कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाएगा तो धात्विक गुण उनका बढ़ेगा, इसी प्रकार से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर भी धात्विक गुण इनका बढ़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट इनकी विशेषता है आयनन एंथैल्पी जो है इनकी, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी, हमने एस ब्लॉक का पढ़ा था कि इनकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी जो है निम्न होती है, और पी ब्लॉक की क्या होती है, इनकी आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक की तुलना में उच्च होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन एस ब्लॉक की तुलना में इनकी उच्च होती है, ठीक। और फिर क्या है नेक्स्ट है कि ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसे फिर से देख लेते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है क्या करते हैं कि किसी तत्व का बाहरी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर पी कोश में प्रवेश करेगा तो उसे हम कहेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इसमें पी ब्लॉक में धातु और धातु रूप धातु तीनों होती हैं, एस ब्लॉक में क्या होता था केवल धातुएं होती थी, ठीक है। फिर है वर्ग में धात्विक गुण जो होता है इनका ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण इनका बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनका अधात्विक गुण बढ़ता है। आयनन ऊर्जा जो होती है इनकी एस ब्लॉक की तुलना में उच्च होती है, और साथ ही ये सहसंयोजक यौगिक भी बनाते हैं। अब चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है, जिन तत्वों का अंतिम आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-1 उपकोष में प्रवेश करता है। n यानी कि n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या ना, मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम वाले उपकोष में जब प्रवेश करेगा तो उस जो एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इन तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से लेकर 10 तक, ठीक, और NS2 भी। यानी कि अगर हम कोई एलिमेंट्स देखें जो डी ब्लॉक का हो रहा है तो जैसे कि डी में हमें पता है 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा हमने पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कुछ अपवाद तत्व थे, उसमें क्या होता था डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जब आधे भर जाते थे, है ना, जैसे कि 5 तक इलेक्ट्रॉन हो जाते थे जब, तो हम क्या करते थे एस वाले में जब पहुंच जाते थे इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक। तो वही कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन साथ में कोई बगल में जो एस उपकोष वाला है उसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो। तो इस प्रकार का अगर हमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें दिख रही है किसी एलिमेंट्स की तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट जो है डी ब्लॉक का है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे 28 वाला जो है एलिमेंट्स है निकिल, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, फिर 4s, इतना लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम आधा हो जाता है इसमें 5 हो जाएंगे तो हम यहाँ भरने लगते हैं ना, देखिए 2 to 4, 4 और 6 10 हो गया, 10 to 12, 12 और 6 कितना हुआ 18, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाते हैं उसके बाद फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक। यानी कि 1 से लेकर 5 तक तो भर गया लेकिन उसके बाद हम इसके बगल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब ये उपकोष पूर्ण रूप से फिल हो जाता है फिर हम इसमें आते हैं, ठीक। तो ये वाला देखिए स्ट्रक्चर लास्ट वाला डी और एस वाला, ठीक। तो यही सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्राप्त हो रहा ना, यानी कि 1 से लेकर 10 तक डी में होने चाहिए, साथ में जो साइड में इनके बगल में जो उपकोष हो एस वाला वो भी उसमें भी 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, ठीक है। देखिए इनकी विशेषताएं क्या है, ये सभी धातु होते हैं, सभी क्या होती हैं, धातु होती हैं, और ये तन्यता और अघातवर्धता का भी गुण उसमें पाया जाता है, साथ ही ये इनकी धात्विक चमक भी होती है, हैं, यानी धातु के सारे गुण उसमें होते हैं और उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनकी आयनन एंथैल्पी जो होती है ये एस और पी ब्लॉक के बीच का होता है, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मान एस और पी ब्लॉक के बीच का होता है, ठीक। फिर हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या पे, देखिए इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो हैं परमाणु संख्या में वृद्धि होने पर घटने लगती हैं, ठीक है।
इनकी परमाणु त्रिज्याएं परमाणु संख्या में वृद्धि होने पर घटने लगती हैं। यानी परमाणु त्रिज्या समझ रहे हैं, जैसे कोई ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ अंतिम कोष तक जितना इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है ना। तो कह रहा है कि इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो होते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं घटने लगती हैं। अब आप कहेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इसका त्रिज्या तो और बढ़ना चाहिए ना, घट क्यों रहा है? तो घट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जब बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, NS2 में जाता है, जब ये भर जाता है तो फिर वापस ये D को उपकोष में आने लगता है, ठीक है, D में वापस ये भरने लगता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर ही भरेंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या तो कम ही होगी ना, ये बाहर नहीं जा रहा है, ये अंदर के उपकोष में ही भर रहा है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ये S है, ये P है, ये D है, ठीक है, इस प्रकार से F है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है P, उसके बाद D में नहीं भर, D में भरा, फिर उसके बाद फिर ये S में आ गया, फिर ये D में, यानी कि इतने में ही ये घूम रहा है D उपकोष वाले। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु त्रिज्या जो है, ये घटती है ना। इसका कारण समझ में आया ही कि इलेक्ट्रॉनों का जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में ही प्रवेश करने लगते हैं, जिससे कि इनका नाभिकीय आवेश जो है, ये जो नाभिकीय आवेश जो है, नाभिक के आकर्षण की क्षमता वो बढ़ जाती है, और इनकी आकर्षण की क्षमता बढ़ने से नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर प्रबल रूप से खींचता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक जो इनकी परमाणु त्रिज्या जो है वो घटने लगती है, ठीक है। और इन एलिमेंट्स का, इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। नेक्स्ट इनकी विशेषता है कि कुछ इस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है, धात्विक उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि लोहा हो गया, है ना, लोहा यानी कि फेरस, निकिल, प्लैटिनम, इनका उपयोग क्या किया जाता है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरकों के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा है कि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं अन्य तत्वों के साथ मिलकर या अन्य धातुओं के साथ संयोग करके मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं, मिश्र धातु जैसे कि वेनेडियम इस्पात, ठीक है, क्रोम इस्पात, स्टेनलेस इस्पात जो है, तो इस प्रकार से ये मिश्र धातु के निर्माण में भी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अगली विशेषता हम कह सकते हैं, इनके जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स के सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, वो कलरफुल, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, और इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये होता है N-2 है एफ पे 1 से लेकर 14 तक, एफ उपकोष में 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एफ जो होता है 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो, और डी उपकोष में 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और इस प्रकार से एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को कहा जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखिए आवर्त सारणी में आप लोग देखिए ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए 4F2 है, 5D0, 6X2, 2O2, ठीक है, यहाँ देखिए 4F3, 5D0, 6S2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यही स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है ना। D में
अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो डी उपकोष में 0 होगा या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं वो सभी धातुएं ही होती हैं। एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे गए हैं सभी कैसी हैं, सभी धातुएं हैं। ठीक है, और इन तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और अंतः संक्रमण तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, दो श्रेणियों में ये विभाजित भी हैं। पहला है लैंथेनाइड, लैंथेनाइड्स, और दूसरा है एक्टिनाइड्स। तो जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश करता है, 4F में प्रवेश करता है, तो उसे हम कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है, और इस श्रेणी में सीजियम 58 से 71 तक तत्व होते हैं, 71 परमाणु क्रमांक तक तत्व होते हैं, और पूरे तत्व कितने होते हैं, 14 तत्व, 14 तत्व भर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। एक्टिनाइड में क्या है कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है, लैंथेनाइड में 4F में और एक्टिनाइड में 5F उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। और ये जो है 90 से 103 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, और ये सभी एक्टिनाइड तत्व जो हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और इस ब्लॉक के भी सभी, हमने देखा कि इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं, धातुएं हैं। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक देखेंगे तो गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है। इसके अलावा ये जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति इनमें होती है, जटिल आयन बनाने की, आयन या फिर यौगिक या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति उच्च रखते हैं ये। इनके यौगिक भी रंगीन होते हैं, और ये यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन। तो ये सभी जो हमने ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, इनकी विशेषताओं को जो पढ़ा है उसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट, सॉरी कौन सा, हाँ एलिमेंट से या फिर तत्व जो है आवर्तसारणी में किस ब्लॉक में रखा गया है, कौन सा उसका आवर्त है, कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसे करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, क्रम से भी वो याद होने चाहिए सारे एलिमेंट्स के नाम। इसके अलावा ब्लॉक वाइज भी याद होने चाहिए कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और किस परमाणु क्रमांक से किस परमाणु क्रमांक तक। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते।